माँ चंद्र घंटा वर्ष के कुछ ऐसे विशेष दिन है जो पुनर्तः माँ आदिशक्ति को समर्पित है, जैसे कि प्रत्येक अष्टमी, नवमी, प्रत्येक शुक्रवार, चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक 9 दिन। इन 9 दिनों माता के विभिन्न रूपों की पूजा का विधान है। माता का तीसरा दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप को समर्पित है। इस दिन इस रूप में माता की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। पिंड प्रवरारूढा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसाद तनुते मह्यम चंद्र घंटे ती विश्रुता। माँ दुर्गा के तीसरे शक्ति स्वरूप को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन को देवी जी के इस स्वरूप की साधना की जाएगी। माता का ये रूप स्वर्णिम और अलौकिक है। 10 भुजाओं वाली देवी चंद्र घंटा के मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, जिसमें घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्र घंटा के नाम से पुकारा जाता है। माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। माँ सभी पीड़ाओं को दूर करने के लिए जानी जाती है। माँ चंद्र घंटा के ध्यान मंत्र, स्तोत एवं कवच पाठ से साधक का मणिपुर चक्र जागृत होता है, जिससे साधक को सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरे दिन की पूजन सामग्री में माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा या तस्वीर, पुष्प, मिठाई, लाल कलावा या मौली, दीपक, घी या तेल, धूप, नारियल, अक्षत, साबुत, कुमकुम, माला। यदि आपके पास माँ चंद्र घंटा व माँ के अन्य रूपों की तस्वीर उपलब्ध नहीं हो तो आप माँ दुर्गा की ऐसी तस्वीर ले सकते हैं जिसमें माता के 9 स्वरूप दिखाई दे। अगर वह भी संभव न हो तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी उपयुक्त है, क्योंकि माँ दुर्गा में ही उनका हर स्वरूप निहित है। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहाँ गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चूंकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद अब ओम देवी चंद्र घंटायै नमः मंत्र के द्वारा माँ चंद्र घंटा का आह्वान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधि जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। नवारण मंत्र ओम ए ह्री क्लीम चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ चंद्र घंटा की आरती गाएं। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्र घंटा का होता है, जिनको दूध से बनी मिठाई और खीर अत्यधिक प्रिय है। इस दिन दूध से बनी चीज का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करने से सभी प्रकार के दुख और पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसे में आप भोग में मखाने की खीर बनाएं। मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मखाने को भून लें और ठंडा हो जाने पर उसे बारीक पीस लें। इसके बाद एक पैन में दूध, मखाना, चीनी, मेवे और इलायची पाउडर डालकर उसे अच्छे से मिला दें और धीमी आंच पर पकाएं। इस तरह आपकी मखाने की खीर तैयार है। माँ चंद्र घंटा का बीज मंत्र ए श्री शक्ते नमः। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से साधक के समस्त पाप और बाधाओं का नाश होता है। माँ का ये रूप सुख शांति प्रदान करने वाला है।
तथा इनकी साधना करने से साधक को सभी तरह के रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय है और इस बार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए शुभ रंग नीला है। पौराणिक कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा के पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई।